जी खतरनाक, पहली बार बेकाम इंसान ने आज कुछ काम किया है। मैं पहली बार देख रहा हूँ तेरे को आज आटा बोलते हुए। अच्छा, मैं पहली बार देख रहा हूँ यार आटा गूंथते हुए तेरे को। खतरनाक यार, गजब। वो रोटी पता नहीं कैसे होगी आज। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अजीत नौटियाल, आपका स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर ऋषिकेश में। तो दोस्तों, मैं ऋषिकेश में हूँ और आज के नए ब्लॉग की नई शुरुआत करता हूँ अपने घर से ही। सबसे पहले जी आपको आज का मौसम दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं आज बादल भी लगे हुए हैं और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है दोस्तों, ये है नरेंद्र नगर की पहाड़ी और ये आप देख सकते हैं साफ नहीं दिख रही है, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं और थोड़ा थोड़ा पहाड़ी भी दिख रही है। और सामने वाली पहाड़ी जो दोस्तों, ये देख सकते हैं ये नीलकंठ महादेव की पहाड़ी है और इस तरफ तो बादल ज्यादा लगे हुए हैं और दोस्तों कभी कभी तो चांस बहुत ज्यादा बन रहा है बारिश का इधर भी, और काले बादल लग रहे हैं लेकिन बारिश तो नहीं हो रही यार, गर्म बहुत हो रहा है यहाँ। और ये देख सकते हैं ये हमारे मकान के पीछे बिल्डिंग है और ये स्कूल भी है दोस्तों, बहुत सुंदर बिल्डिंग है आप देख सकते हैं। और बाकी मौसम तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत प्यारा हो रखा है यहाँ भी मौसम, लेकिन गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है यार। दोस्तों, अभी दीक्षार में जा रहे हैं गंगा माई के दर्शन करने के लिए और वहां का व्यू आपको दिखाते रहेंगे और चलते हैं दीक्षार में गंगा जी के लिए तैयार होते हैं और जाते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अभी त्रिवेणी घाट के बाहर पे जो मेन गेट है और यहाँ G20 की वजह से बहुत अच्छा डिजाइन बना दोस्तों, बहुत अच्छे से सजाया हुआ है हमारा ऋषिकेश और आप पीछे देख सकते हैं कितनी भयंकर सजी हुई है यहाँ की मार्केट, यहाँ की जो दुकानें हैं दोस्तों बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा आपको। सबसे जी पहले जी ये देखिए आप जो त्रिवेणी घाट का जो मेन गेट है और वहाँ पे देखिए भोलेनाथ किस प्रकार बैठे हुए हैं, कि बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है दोस्तों, बहुत प्यारे लग रहे हैं भोलेनाथ। और हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय नीलकंठ महादेव की जय। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए आप यहाँ की जो दुकान है दोस्तों, एक ही कलर से, एक ही डिजाइन से दोस्तों कितनी प्यारी सजा रखी है आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। तो भी प्यारी लग रही है, तो प्यारी है, तो तेरा नाम प्यारी रखना है। तो देखिए दोस्तों आप, बहुत अच्छी मार्केट लग रही है। देखिए आप, एक ही डिजाइन से, एक ही कलर से और पूरा दोस्तों एक ही तरीके से सजाया हुआ है पूरी मार्केट। ये है सब दोस्तों G20 की वजह से ही। दोस्तों G20 पे हमारी भारत सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है, जिस वजह से यहाँ की मार्केट को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है और इसका आप पीछे एग्जांपल देख सकते हैं। और मैं अब आगे गंगा माई का भी आपको दिखाऊंगा। और पिछली बार तो गंगा माई बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी लेकिन अब कम हो गई है, और पिछली बार तो रेत पूरा ऊपर तक आ रखा था और बहुत ज़्यादा नुकसान किया था दोस्तों, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा गंगा जी का जलस्तर बहुत कम हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जी, देखिए हनुमान जी महाराज, जय हनुमान जी महाराज की जय है। हम हनुमंत नमन, जय बजरंग बली जी महाराज। इस दीक्षा को खूब शक्ति देना, इसको विद्या बुद्धि, विद्या बुद्धि यस सब चीज देना, इसको कीर्ति भी देना, कीर्ति पता नहीं कीर्ति किसकी लड़की होगी। अरे देखिए जी माता जी है, कीर्ति कहाँ, कीर्ति भी मिल जाएगी मेरे को। देखिए जी कितनी पार्किंग है यहाँ की और बहुत सुंदर लग रही है आप देख सकते हैं। अब मैं आपको, ये कुंड है ऋषि कुंड, यहाँ का भी आपको दिखाऊंगा, बहुत पुराना दोस्तों, बहुत फेमस है। और ये भी देखिए माता भद्रकाली जी है, काली माता की मूर्ति है और ये देखिए जी बहुत प्यारी लग रही है। और मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा। और अब चलते हैं दोस्तों ऋषि कुंड के लिए सबसे पहले। और दोस्तों यही है ऋषि कुंड, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये ऋषि कुंड दोस्तों। और यहाँ बहुत पहले तो कछुआ भी रहता था दोस्तों, लेकिन अब तो नहीं इधर कछुआ दोस्तों। अभी मैं आ गया हूँ ऋषि कुंड जहाँ, और यहाँ जो पीछे दिख रहा है आपको, ये भगवान श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। और ये कुंड भी बहुत पुराना है दोस्तों, जब हम बचपन में छोटे थे, जब हम 6-7 साल का था मैं जब, तो हम यहाँ रोज आते थे उस टाइम, इधर इस कुंड में दोस्तों कछुआ रहता था, बड़ी बड़ी मछली रहती थी, तो दोस्तों हम रोज यहाँ उनको देखने आते थे, बहुत मजा आता था देखने में, बहुत अच्छा लगता था और दिल को बहुत अच्छी महसूस होता था, बहुत प्यारा लगता था दोस्तों। तो जी अब चलते हैं माँ गंगा के दर्शन करने और वहाँ का भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। चलो भाई दीक्षा, लेट्स गो, लेट्स गो। किस तलिंग भी आती तेरे को? रुक जा, आराम से। बारहवीं पढ़ा तो नहीं, मुझे तो लगता नहीं तुमने बारहवीं पढ़ा होगा। अच्छा? तो इतनी छोटी तेरी ना हाइट बढ़ रही ना कुछ। हाइट से क्या होता है? हाइट से बहुत कुछ होता है, छोटे लोग ज्यादा वो होते हैं, विद्वान होते हैं। किसने बोला विद्वान होते हैं छोटे लोग? हैं? क्यों, मैं बोल रही हूँ। तू बोल रही, तू कौन है? अच्छा नौटियाल,
अच्छा विद्वान होते हैं तो भी विद्वान है मतलब। ये देखिए जी पीछे G20 का बोर्ड लगा हुआ है योग नगरी ऋषिकेश का, और हमारे ऋषिकेश का तो पता ही दोस्तों आप योग नगरी के नाम से तो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि योग की जो शुरुआत हुई है और योग ने हमारे भारत को विश्व स्थान पर जिस पटल पर लाया है तो वो योग है दोस्तों। उसने ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे कि हमारे देश को बहुत ही अलग पहचान मिली है। अब आप देख सकते हैं पीछे भी दोस्तों, अभी पहुंच गया हमें त्रिवेणी घाट के पास। ये देखिए पीछे गंगा जी, गंगा माँ चल बह रही है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। आप देखिए जी बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा जी आपको, पिछली बार तो यहाँ बहुत ज्यादा रेट बढ़ा हुआ था और इस बार तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सफाई होगी दोस्तों यहाँ पे। और दीक्षा भी मेरे साथ, दीक्षा ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत प्यारा। ओके और ये देखिए दोस्तों ये वही है दोस्तों गंगा आरती जहाँ पे होती है, ये है ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं। पिछली बार तो दोस्तों यहाँ सारा पानी भरा हुआ था, और आप देख सकते हैं ये गंगा माई है, बिल्कुल गंगा माई शांत बैठी हुई है। और ये देखिए जी, ये देखिए कृष्ण भगवान और अर्जुन जी कैसे रथ में बैठे हुए हैं, और अर्जुन जी तो पीछे बस बिल्कुल मस्त तरीके से बैठे हुए दोस्तों, और कृष्ण भगवान तो बिल्कुल घोड़ों को थाम रखा है, वरना घोड़े भागने जाए यहाँ से, है ना दीक्षा। और घोड़े भागने की दौड़ में, भागने की इसमें लग रहे हैं, और तो कृष्ण भगवान ने पकड़ रखी रस्सी बस। ये देखिए जी ये पार्किंग ये वो है दोस्तों जहाँ गंगा आरती होती है, नहीं पार्किंग गंगा आरती। जय माँ गंगा, जय गंगा माँ। दोस्तों हम आए हैं गंगा जी के दर्शन करने, मैं और मेरी छोटी बहन दीक्षा है, और पीछे आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी है, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। और देख सकते हैं दोस्तों आप पीछे भोलेनाथ कैसे बैठे, बिल्कुल मजे में बैठे हुए दोस्तों, आराम कर रहे हैं प्यार से। और देखिए आप बहुत बढ़िया से, ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत में बैठे होंगे। तो दोस्तों मैंने अभी गंगा माई के दर्शन कर लिए, और आप पीछे आप देख सकते हैं पीछे गंगा माई निरंतर बह रही है दोस्तों, और बिना किसी भेदभाव के सभी के मानव कल्याण के लिए बिल्कुल बह रही है दोस्तों, और सभी के पापों को धुल रही है। जो भी गंगा माई के पास आता है तो सभी के पाप कष्ट रोग दोष जो भी होता है दोस्तों सभी को दूर कर देती है, यही दोस्तों हमारी गंगा माई। और लगातार अपने रास्ते पे चलते रहती है दोस्तों, किसी को कोई तकलीफ नहीं, और शांति से दोस्तों अपने रास्ते पे चल रही है। यहाँ का मौसम देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये गंगा माई निरंतर बह रही है, और सामने जो कोहरा लगा हुआ है दोस्तों, जो बादल लगे हुए हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं, और सामने जो पहाड़ी है दोस्तों ये भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया डिजाइन आ रहा है दोस्तों उनका। और आप देख सकते हैं सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों इधर का, देखिए आप ये हमारे त्रिवेणी घाट की है जहाँ गंगा माई जहाँ से निरंतर बहते रहती है। और देखिए दोस्तों यहाँ यात्री लोग बहुत आए हैं, और यहाँ पे दोस्तों यात्री और टूरिस्ट लोग तो दोस्तों यहाँ रोज ही रहते हैं, यहाँ बहुत भीड़ ही रहती है, और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर व्यू आ रहा है दोस्तों यहाँ का। ये देखिए जी दीक्षा बिल्कुल गाय माता के साथ खेल रही है, दीक्षा को गाय माता बहुत पसंद है। और देखिए दोस्तों यहाँ हर जगह गाय माता ऐसी पड़ी हुई है, इनकी कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है, पर क्या करे यार ये बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकती है, और बेचारी भूखी प्यासी यहाँ पड़ी हुई है, और कोई इनकी देख रेख करने वाला नहीं यार। तो सभी को कुछ न कुछ जब माँ गंगा के दर्शन करने आना चाहिए तो इन गौ माता के लिए भी कुछ न कुछ लाना चाहिए, कुछ उनके खाने के लिए, जिससे उनकी भूख कम हो जाए। और देखिए जी ये कुछ कुछ एरिया तो दोस्तों साफ कर दिया है नगर निगम ऋषिकेश ने, ये जो रेत बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था जब जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा था, लेकिन कुछ इलाका अभी भी ऐसी है जहाँ अभी रेत नहीं हटाया गया है, क्योंकि दोस्तों ये जो तट है गंगा माई के जो तट है त्रिवेणी घाट पे बहुत लंबा है दोस्तों, कम से कम 1.5 किलोमीटर का तो है ये पैच, और एकदम से हटाना बहुत आसान नहीं है, बहुत हार्ड काम है दोस्तों। लेकिन काफी एरिया जो मेन पॉइंट है जो जहाँ से गंगा माई के दर्शन करने के लिए आते हैं यात्री लोग ज्यादा, तो वो पैच साफ कर दिया गया है दोस्तों। दीक्षा और मैं अभी गंगा माई के तट पे बिल्कुल घूम रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह का व्यू और गंगा माई के तट पे तो बहुत अच्छा लगता है यार, मन को शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ लोग निरंतर चलते रहते हैं, टहलते रहते हैं। और मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक का तो दोस्तों सबसे बढ़िया जो तरीका है टाइम काटने के लिए सुबह और शाम, तो यही बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ दीक्षा, तो दीक्षा कितने साल बाद आ रही थी यहाँ गंगा जी के दर्शन करने के लिए? एक साल। तो यहाँ कर एक साल पहले क्या क्या किया तुमने यहाँ गंगा माई? नहाई थी बस, और क्या करते? अच्छा, और बता कुछ कैसा लगा तुझे यहाँ गंगा माई के दर्शन करके? अच्छा लग रहा है गाइस, ये अगर चैनल मोनेटाइज करवा दो, अगर मोनेटाइज होगा तभी हमको पार्टी मिलेगी।
कोई भी आ जाना पार्टी में, जिस दिन होगी ना मैं सबको बता दूंगी, कोई भी आ जाना। वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, अपने पैसों से खिलाएगा भैया सबको। वो तो मैं बोल वाला को, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा बस, ये तो एक बड़ी पार्टी दूंगा, ग्रेट पार्टी बहुत। और ढाल वाला को ऐसे कोई 10 मिलियन पे भी नहीं करता होगा जैसे भैया मोनेटाइज। और मैं मोनेटाइज भी कर लूंगा यार, लेकिन हो जाए जल्दी से जल्दी बस। दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूं जो हमारे ढालावाला में जो पार्क है, गंगा वाटिका के नाम से बहुत फेमस है, और दीक्षा की बहुत जिद थी कि मुझे झूला झूलना है, तो दोस्तों मैं दीक्षा को पार्क में ले जा रहा हूं। देखिए जी ये पार्क का गेट है, ये देखिए दोस्तों पार्क में ये बजरी बिछी हुई है, 20 mm रोड़ी है ये, बहुत अच्छे तरीके से बिछाया हुआ है कि किसी को परेशानी ना हो। और ये पार्क का व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी शहर हो या गांव हो, पार्क तो जरूर होना चाहिए दोस्तों, बच्चों को खेलने कूदने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चे खुलकर खेले। और आजकल तो यार देख सकते हैं आप बाजार की जगह पे, और कहीं बच्चों को खेलने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, और जिस वजह से बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। देखिए जी दीक्षा बिल्कुल बराबर झूला झूल रही है, कैसा लग रहा दीक्षा? तूने बहुत जिद करी थी ना तू कि झूला झूलना है, बहुत पसंद है, मतलब घर ले जा ले इसको फिर। तो वो तो रस्सी का होता है ना गांव में, ना। तो इसे घर ले जा ले ना सीधा, ऊपर अच्छा। से उखाड़ ले इसको और नीचे से भी, हाथ पूरा ले जा ले सीधा सीधा बाहर पर लेते हैं भाई। ओके आपके पास, आप इतने अमीर हो, आप एक झूला नहीं लगवा सकते? अरे झूला क्यों यार, लोहा बहुत महंगा हो रखा है यार आजकल यार, लोहा महंगा हो रखा तो सोने का सोचो, आप क्या ही बोलोगे? सोना तो हम गदर गदर में बहता है यार। एक सोने का बिस्किट लेके दे दो। अरे एक क्या तू बोले, मैं 10 सोने के देता हूँ तेरे को, एक प्लेट मोमो अभी चल मेरे साथ, अभी भी खिला था मैं, रुक जा। हाँ, बोल दिया तो आप बोलोगे ना, क्योंकि अभी तो सारी दुकानें बंद है। नहीं नहीं अभी बोलता हूँ, अभी खिलाता हूँ मैं तेरे को, रुक जा चल। तो जी अब दीक्षा पार्क में बहुत खेल लिया इसने, और अब चलते हैं घर के लिए। अच्छा लगा पार्क में? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्या क्या खेला तुम्हें वहाँ? झूले खेले। चल फिर शाम को भी आ जाएंगे, ठीक है?